तैयार हो जाइए एक और एक्शन पैक के दिन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजार में भरपूर एक्शन है। कल दाव में दिखी ऐतिहासिक गिरावट और आज एशियाई बाजार में उसका कोई असर नहीं। भारतीय बाजारों में है उतार चढ़ाव के बीच सुस्त शुरुआत के संकेत, फिर खुलने के बाद फिसलेंगे या चढ़ेंगे, क्या होगा आज का ट्रेड, क्या होगी आज की रेंज, इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए कहां है मौके, इस पर होगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, जिस तरह से पिछले 3-4 दिन चल रहे हैं, सवाल तो बहुत उठ रहे हैं और जवाब भी आपको आज देने पड़ेंगे। आज मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से बाकी दिन हुए हैं वॉलेटिल के लिहाज से, आज थोड़ा एक्शन और देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, पूरे ग्लोबल मार्केट से संकेत यही आ रहे हैं कि जबरदस्त उतार चढ़ाव होता हुआ दिखा, लेकिन आज जिन संकेतों के दम पर हमें करनी है शुरुआत और जिनके दम पर हम करेंगे ट्रेड, वो आपके सामने रख दिए जाए कि आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं आपके लिए। अब भी देखिए ग्लोबल मार्केट्स बेहद वोलेटाइल है। कल अमेरिका में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट हुई है, 3000 अंकों से ज्यादा डाउ लुढ़का है। एसजीएक्स निफ्टी बेहद वोलेटाइल है, डाउ फ्यूचर्स की तरह अब एसजीएक्स निफ्टी भी ट्रेड करने लगा है। 300-350 पॉइंट की तेजी एसजीएक्स निफ्टी में थी और ऊपरी स्तरों से एसजीएक्स निफ्टी अब फिसलता हुआ दिखा है, हालांकि अब भी 50-75 पॉइंट ऊपर है। ट्रंप का बड़ा बयान और कह रहे हैं कि जो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि मार्च या अप्रैल तक कोरोना खत्म हो जाएगा और उसका असर खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रंप साहब का यह कहना है कि कोरोना का असर दिखेगा अगस्त तक, ये चौंकाने वाला बयान आया है ट्रंप साहब की तरफ से। और अब कच्चा तेल और कमजोर होता हुआ कई सालों के निचले स्तर पर लंबे समय बाद, मेरे ख्याल से 2008 के वक्त भी शायद ऐसा ना हुआ हो कि $30 के नीचे गया, तो $30 के लेवल को भी कच्चे तेल ने तोड़ा है। तो 10% की तेज गिरावट वहां पर, सोना चांदी करेंसी मार्केट इक्विटी सब मार्केट ऐसे हैं जहां पर हालात बेहद खराब है। सर, सवाल यही उठता है कल हुआ क्या है, क्योंकि इंडिया और बाकी एशियाई बाजार इतने गिर गए थे इसलिए डाउ गिरा, तो अमेरिका ने बाद में रिएक्ट किया और इसलिए आज थोड़ी पॉजिटिविटी है, या फिर वो वैक्सीन टेस्ट को लेकर थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, ये संकेत कैसे समझेंगे कि 13% गिरने के बाद 500 अंक ऊपर? दो चीजें हैं दीप। पहली चीज तो ये कि कल अमेरिका में जो कुछ गिरावट हुई अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। हाँ, 3000 पॉइंट की आप मान सकते हैं, लेकिन 2000 पॉइंट तक का तो लोग माल बनाकर बैठे थे कि 2000 पॉइंट तो जाना ही है, क्योंकि 1000 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स में सर्किट लग गया था और जिस तरह के हालात थे और जिस तरह से 8-9% सारे ग्लोबल मार्केट्स नीचे थे, तो उस हिसाब से लग तो रहा था कि 9-10% अगर डाउ नीचे हो जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन 13% की गिरावट वाकई में उम्मीद से कहीं ज्यादा है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, क्यों अमेरिकी बाजार इतना गिर रहे हैं? एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिका और अमेरिकन्स बहुत सतर्क रहने वाले लोग हैं और वो जरूरत से ज़्यादा प्रिकॉशन रखने वाले भी हैं, और जिस तरह की मौतें अमेरिका में हुई हैं उसको देखकर लगता साफ है कि वो चांस नहीं लेना चाहते हैं। और मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ अमेरिका में, लगभग सारे ऑफिसेज उनके बंद हो चुके हैं। बिल्कुल, स्पेशली हमारी बात तो नेचुरली जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले हैं या वहाँ के फंड मैनेजर्स हैं या वहाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिजनेस जगत से जुड़े जो लोग हैं, लगभग सारे ऑफिसेज बंद हो चुके हैं। जो वर्क फ्रॉम होम कर पा रहा है, कर पा रहा नहीं कर पा रहा, तो कुछ नहीं। और दिक्कत की बात ये कि कामकाज ठप है, आप एम्प्लॉयज को सैलरी तो देंगी, ऑफिस खुले रहेंगे, एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, कमाई बंद है, मतलब हर तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी स्टैंड स्टिल जाम होती हुई दिख रही है। ये अमेरिका की बड़ी चिंता है और इस वजह से अमेरिकी बाजार गिरे। और दूसरी गिरावट की वजह यह भी थी कि जब ट्रंप साहब ने कहा कि अगस्त तक इसका असर दिखेगा, तो लोगों को डर और ज्यादा लगा कि भाई ऐसा क्या ट्रंप साहब को दिख रहा है कि वो अगस्त तक की बात करें। तीसरी बात एक और, उन्होंने चाइना वायरस का भी नाम दे दिया, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि वो इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं कि ये सब कुछ अचानक से कुदरत की देन है। उन्हें लग रहा है ये चाइना की देन है। अब वजह कुछ भी रही हो, उनके पीछे सोच जो भी रही हो, तो वो डिस्कम्फर्ट दिख रहा है। बिल्कुल, कि भाई आपकी गलती की वजह से या आपकी जानबूझ के की गई गलती की वजह से दुनिया भुगत रही है। बिल्कुल, ये वो संकेत चाइना को डायरेक्टली इनडायरेक्टली देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। देखिए मैं एक चीज कहूंगा, ये मुश्किल का वक्त है। उनकी फीलिंग्स अपनी हो सकती है कि वो अमेरिका के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए जो सोचे कि क्यों चाइना की वजह से पूरी दुनिया को तकलीफ हो रही है, लेकिन शायद इस वक्त की जरूरत ये ज्यादा है कि पहले इस बीमारी से लड़ें, बिल्कुल इसका सॉल्यूशन निकालें और उसके बाद चाइना के साथ आप दो दो हाथ कर लें कि आपने सही किया गलत किया। तो ऐसे सिचुएशन में जब पहले से सेंटिमेंट खराब है, पहले से आप डरे हुए हैं, ऐसे समय में इस तरह के बयान और डर पैदा करते हैं। ये सारा डर आपको कई अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है। दूसरी चीज जो अमेरिका में नोटिस करने लायक है वो ये है वोलेटिलिटी। ये क्या मार्केट है? एक दिन यही, दो दिन पहले बिल्कुल सबसे बड़ी तेजी, सबसे बड़ी तेजी, सबसे बड़ी गिरावट, उसके बाद सबसे बड़ी तेजी और फिर सबसे बड़ी गिरावट। ये मार्केट है क्या?
ऐसे मार्केट होने से मार्केट बंद हो जाना ठीक है। छह दिन में 3 बार सर्किट लगा है वहां पर, इतिहास में कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मतलब 3 बुल रन 3 बेयर रन तो मैंने देखे हैं। 2008 की गिरावट को मैं अच्छे से जिया हूं और उसका फायदा इस वाली गिरावट में मिला भी है, लेकिन तब भी ये हालत नहीं थे, ये वोलेटिलिटी नहीं थी, एक तरफा मार्केट था। दिक्कत क्या है दीप, दिक्कत यह है कि एक तरफा मार्केट में आपको तकलीफ बहुत होती है कि आपको एग्जिट नहीं मिल रहा है, लेकिन साथ ही आप ये देखिए जब मार्केट वोलेटाइल होते हैं तो एक दूसरी बड़ी समस्या आ जाती है और वो ये कि और ज्यादा लोग फंसते हैं। बिल्कुल, अब इससे ज्यादा क्या, अब इससे ज्यादा का कोई जवाब नहीं है। इससे ज्यादा क्या क्या होता है, कुछ नहीं होता। आप अगर ये सोच लें कि इससे ज्यादा आप गिर नहीं सकते हैं, ये गलत फहमी है। जब बढ़ने में इसका इज द लिमिट, तो गिरने में भी पाताल तक तो पहुंच ही सकते हैं, और पाताल से मेरा मतलब है टॉप से 50%, 55%, 60%, ये पाताल है। मैं ग्रेट रिसेशन की बात नहीं करता, 1929-30 में जो हुआ कि 80-90% की वैसी हालत है भी नहीं, होगी भी नहीं, कभी नहीं होगी, लिख के रख लीजिए, क्योंकि हम बहुत मैच्योर हो चुके हैं, सेंट्रल बैंक्स बहुत मैच्योर हो चुके हैं, सरकारें बहुत मैच्योर हो चुकी हैं। लेकिन क्या 2008 में अगर आप 55% गिरे तो यहाँ 35% रीजनेबल नहीं है? बिल्कुल है रीजनेबल, तो आप जो गिर रहे हैं वो रीजनेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत जरूर से ज्यादा आप गिर गए। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, आपको हर एक ट्रेडिंग सेशन को इस तरह से लेना है कि किस तरह से सामने आ रहा है, किस तरह की खबरें आ रही है, और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना। तो ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी जो है दुनिया भर के बाजारों में, स्पेशली अमेरिकी बाजारों में, जो कि सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे डीप और गहरा मार्केट है, जहां पर मैंने देखा है 20-20 दिन डाओ आपको थका देता है, परेशान कर देता है, ऐसा लगता है यार क्या देखना है डाओ में, यही 100-125 पॉइंट की रेंज में सुबह से लेकर शाम तक ऊपर नीचे होकर 25-50 पॉइंट बंद हो जाता था। ये वही डाओ है जो 100 पॉइंट नहीं बढ़ता घटता था जी, आज ये वो डाउ है जो 2000-3000 पॉइंट से नीचे मानता नहीं, 1100-1500 तो नॉर्मल हो गया अब। तो इसलिए ये ऐसा समय है जो इतिहास में पहली बार और शायद मेरी और आपकी लाइफ में आखिरी बार भी हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा फिर से देखने को न मिले। इसको एंजॉय कीजिए, इससे सीखिए, बिल्कुल इसमें आप पैसा बनाने के बजाय पैसा बचाने पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि इस गिरावट में आप 35% टॉप से गिरकर रुक जाएंगे, 50% पे रुकेंगे, 55% या 60% पे रुकेंगे, ये पता नहीं है। जब ये नहीं पता, या हो सकता है आपने 8550 का निफ्टी पे बॉटम देख लिया हो, ये किसी को नहीं पता। तो पॉइंट सिंपल है, जब आपको नहीं पता है और जब इस तरह की वॉलीटिलिटी है तो थोड़ी सी सावधानी रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा तेजी, बहुत ज्यादा मंदी, दोनों ही सोचना इन लेवल्स पर रिस्की। बिल्कुल, जब मंदी सोचनी थी आपने सोची 12,000 पे, 11,500 पे, 11,000 पे, 10,000 तक भी सोची, ठीक है, लेकिन अब एक्सट्रीम मंदी सोचना भी गलत हो सकता है और एक्सट्रीम तेजी सोचना भी। तो आपको सिर्फ वही दो चीजों पर फोकस करना है। बिल्कुल, हमारी पुरानी वाली, हमारी पुरानी वाली एक बार याद भी दिलाएं लोगों को, दो चीजों पर फोकस करना है, या तो बाजार इतने गिर जाए और आप और मैं इतना डर जाए कि डर से डर ही ना लगे। बिल्कुल कि मतलब फिर तो भाई ठीक है, अब इतना ही डराना है तो डरा लो, अब क्या है, अब बचा क्या जो लूट लोगे, या तो वैसी सिचुएशन आ जाए कि भाई बचा क्या जो लूट लोगे, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। दूसरी सिचुएशन जो है हमें ये सोचना है, वो सिचुएशन आएगी लेवल से, पैनिक से। आपको याद होगा कल भी हम यही बात कर रहे थे, और कल मैंने आपको एक पॉइंट, कल परसों आपने 3-4 बार पिछले एक हफ्ते में पैनिक की बात की। पैनिक ये था जो कल आपने अमेरिका में देखा, पैनिक वो था कल जो आपने स्टॉक्स में देखा हमारे यहाँ, 20-25% और अच्छे, और शुक्रवार के लोस के नीचे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, ये पैनिक है। पैनिक जो आप पूछ रहे थे ना, वो पैनिक है। पैनिक 3000 पॉइंट का फॉल डाउ पैनिक है। और मैंने दो चीजें आपको बोली, क्या दो चीजों में पैनिक हो चुका है, एक अमेरिका में और दूसरा हिंदुस्तान में। शायद अमेरिका में कल फाइनल पैनिक हो जो हो गया हो, या एक आध और होना तो मुझे नहीं पता जी, ठीक है, लेकिन अमेरिका में कल पैनिक दिखा। अब क्या इंडिया में पैनिक होगा या नहीं होगा, इसका क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर होगा, मैं तब कंफर्टेबल हो जाऊंगा जब इंडिया में पैनिक इंडिया की वजह से होगा जी, तब तो मुझे ये लगेगा कि हाँ अब सारी चीजें प्राइस में आ गई, क्योंकि हमने चाइना को प्राइस कर लिया, इटली ईरान को प्राइस कर लिया, यूरोप को प्राइस कर लिया, और काफी हद तक अब यूएस की कोरोना को भी प्राइस कर लिया, लेकिन इंडिया के कोरोना को हमने प्राइस नहीं प्राइस किया, नहीं किया, क्योंकि इंडिया के कोरोना में वैसी सिचुएशन भी नहीं है जी। जैसा संदीप ने कल रिसर्च की कि चौथा और पांचवा हफ्ता सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। अगर ये 2 हफ्ते हमने कोरोना पर जीत लिए, हमने कुछ खराबी नहीं की, आप मैं पूरा देश साफ सुथरा रहे, कोरोना को बचने से रोके,
तब तो हमने जंग जीत ली जी। लेकिन अगर ये दो हफ्ते हम नहीं निकाल पाए तो वो जो पैनिक होगा इंडिया की वजह से इंडियन मार्केट में, तब बाकी मार्केट सेटल भी हो जाए तब भी आप गिरेंगे। आज चाइना सेटल है, अमेरिका गिरता है ना, बिल्कुल हो सकता है अमेरिका सेटल हो जाए फिर भी इंडिया गिरे, तो आपका फाइनल पैनिक शायद वहां हो, ना हो तो बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं कि इस बात में मैं गलत पढ़ूं, लेकिन मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं कि ये अगर हुआ तो फाइनल पैनिक आपका सेट इन होगा। अचानक से अगर आपको कुछ बहुत खराब खबर सुनने को मिल जाए कि इतने केस हो गए, ये हो गया, हो गया, नहीं हो, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूं कि आपको ध्यान कहां रखना है, वो ना हो तो बहुत बढ़िया। तो ये दो चीजें कि वो फाइनल पैनिक सेट इन होगा तब आपका बाजार बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, पहली चीज। एक तो सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन जिसका संकेत हल्का सा कल मिलने लगा है कि शायद कोरोना के वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, ये दूसरा संकेत है। अगर कोरोना के वैक्सीन की टेस्टिंग पॉजिटिव नजर आती है और ये संकेत मिलता है कि इसकी दवाएं जल्दी से बनने को तैयार है, ये दूसरा होगा, तब आपको कोई पैनिक के लिए इंतजार नहीं करना है, तब आपको बाजार बॉटम बनाने का संकेत देगा। क्योंकि या तो काम है ना दवा से चल सकता है, या भाव ऐसे हो जाएंगे जिसके नीचे अब है ना, न तो कोई बेचेगा न किसी का बिकेगा, वो सिचुएशन आ जाए तब तो ठीक है, तो ठीक है। ये दो चीजों पर फोकस करना है। बिल्कुल। एक सवाल है सर, इससे पहले कि आज के सेटअप की बात करें और संदीप भी हमारे साथ हैं ग्लोबल पिक्चर के लिए, कल जो आरबीआई ने रेट कट नहीं किया जी, हमने तो पहले ही बता दिया था, पर आप इसको किस तरह रीड करेंगे? पैनिक नहीं करना चाहिए, क्या ये एक संकेत भी है आरबीआई की तरफ से कि सब ठीक है अभी के लिए? देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम तो, मैं फिर कहूंगा कि मैंने 5 सूत्री कार्यक्रम रखा सरकार के सामने कि मुझे ये चाहिए और बड़ा रेट कट उसमें एक था। मैं फिर ये कहूंगा कि मैं भक्त हूं, भगवान से सब कुछ मांगूंगा जो मुझे चाहिए। बिल्कुल। भगवान पर है वो मुझे क्या दे क्या ना दे, ना दे तो ना भी दे, मैं नहीं देंगे तब तक पूजा करता रहूंगा, और अगर मैं सच्चा भक्त हूँ तो लेने मिलने के बाद भी पूजा करूंगा, धन्यवाद दूंगा, नहीं तो मुसीबत में लोग याद करते हैं भगवान को। पॉइंट सिंपल है, हमने तो रेट कट मांग लिया, लेकिन आरबीआई को तो पूरा बैंकिंग सिस्टम चलाना है, इकोनॉमी देखनी है, देश को भी देखना है। खाली अनिल सिंघवी या मार्केट खुश हो जाए उसके लिए आधा 0.5% 1% रेट काट दे, आप सोचिए उसका एक करेंसी पे असर क्या होगा? बिल्कुल, करेंसी भी ढीली होगी आपकी। क्या आज आप इस सिचुएशन में हैं कि करेंसी बर्दाश्त कर सकते हैं? वैसे मैं आरबीआई गवर्नर होता तो मैं कहता हाँ क्योंकि अगर $30 पे क्रूड है और मेरे पास $400 बिलियन से ज्यादा का रिजर्व है, थोड़ा तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो मतलब देखिए ये अलग अलग सोच हो सकती है, मैं इस कुर्सी पे बैठ के अलग बात कर सकता हूँ, शायद मुझे आरबीआई गवर्नर की कुर्सी मिल जाए तो मेरी सोच बदल जाए, बहुत फर्क होता बिल्कुल, है बिल्कुल। आप जब दूसरों के तरह अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं और जब आप उस पोजीशन में होते हैं तो आपकी सोच बदल भी जाती है। कई लोग ये, अब हमें लोग बहुत सारे ट्वीट करके बोलते हैं कि आप अभी बोले नहीं लेना, मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पैसे किसके पास बचे हैं लोग ये पूछते हैं, सबके पास, अरे क्यों नहीं बचे भाई, जो जी बिजनेस के दर्शक हैं उनके पास पैसे बचे हैं, बिल्कुल बचे, हमने बचाए, बिल्कुल बचाए। मैं एक ही चीज़ यहाँ पर हमारे दर्शकों को कहता हूँ, अगर आपको फॉलो करना है, अगर आपको जी बिजनेस देखना है, आप फॉलो रेगुलरली, लगातार देखें, डोंट फॉलो रेंडमली, जब मर्जी आए तब इसको खोल दिया, जब मर्जी आए तब ट्वीट पढ़ दिया, और फिर अचानक से आपको पता ही नहीं कि पिछले एक महीने से क्या हो रहा है, और अचानक से बोलेंगे अरे आपने तो ये बोल दिया, आपने तो वो बोल दिया। अगर आप फॉलो करें, जिसको भी करें, जरूरी नहीं कि मुझे करें, जी बिजनेस को करें, दीप को करें, किसी और को करें, आप जिसको फॉलो करें पूरी तरह से फॉलो करें तो ही आपको फायदा होगा। रेंडमली कभी इधर चैनल दबाया, कभी उधर चैनल दबाया, कभी इसको सुना, कभी उसको सुना, तो फिर आप है ना अपना नुकसान करेंगे। इसलिए जो लोग पिछले एक महीने से जी बिजनेस के साथ हैं, कम से कम पहले वाली बात तो छोड़ दें, 12,000 के लेवल से लगातार आपको बोला है एग्जिट करना है, पैसे बचाने हैं, नहीं लेना है, और अगर आप जी बिजनेस के दर्शक हैं तो आपके पैसे पक्के बचे और आपकी जेब में पैसे होने भी चाहिए अगर आपने इम्प्लीमेंट किया हो। हो सकता है सबने नहीं किया हो, होता है, कई बार होता है कि लॉस में शेयर नहीं बिकता, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन उसके बावजूद कम से कम आपके और नहीं लगे होंगे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि फॉलो रेगुलरली, डोंट फॉलो रेंडमली, बिल्कुल मर्जी आए तब नहीं, अपनी सुविधा से नहीं। पैसा बनाना आसान काम नहीं है, अगर पैसा बनाना है तो आपको अपनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अब सपोज मैं रोज बोलता हूं आपको नहीं लेना है, पिछले एक महीने में 3 बार ये भी तो बोला है लेना है, बोला है, बिल्कुल बोला है, ये भी तो बोला है, अब वो 3 महीने, अब नीचे के सर्किट पर 10:15 बजे अगर मैं आपको बोलता हूं लेना है, उस वक्त थोड़ी मैं पहले ट्वीट डालने के लिए बैठूंगा कि लीजिए, मेरी जिम्मेदारी टीवी के दर्शकों की ज्यादा है, सबसे पहले ट्वीट के दर्शकों, ट्विटर पे जो हमारे दर्शक है उनको हम
एक तरह से इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको जेन्युइनली मिनट टू मिनट ट्रेड करना है, मिनट टू मिनट एडवाइस करना है, उन्हें टीवी देखना चाहिए। पहली चीज टीवी पर जाएगी, पहले इंफॉर्मेशन टीवी इन्वेस्टर्स को, दर्शकों को मिलती है और वो एक्शन ले सकते हैं। इसलिए अगर आप इस मार्केट में जेन्युइनली आप फॉलो करना चाहते हैं, प्लीज टीवी सेट्स ऑन रखिए। नहीं कर सकते, कई लोगों की मजबूरी होती है, ऑफिस में ही है, तो फिर आप रेंडमली फॉलो मत कीजिए। रेंडमली फॉलो करें तो सोच समझ के कीजिए, उसमें आपकी रिस्क ज्यादा है। बिल्कुल। और जो जी बिजनेस के दर्शक रेगुलरली हमें देखते हैं वो जानते हैं कि कल दोपहर को ही हमने आपको बता दिया था कि आरबीआई से कुछ मेजर्स आएंगे पर रेट कट आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। एक बार देख लेते हैं हमने आपको क्या बताया था। प्लीज अगर आप कहीं भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये गलत फहमी ना पालें कि रेट कट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो हमारे सोर्सेज हमें खबर दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई आरबीआई की बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है, कोई एमपीसी मीटिंग नहीं हुई है। आमतौर पर अब तक का ट्रेड रिकॉर्डर, अगर ऐसा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो रेट कट करते, तो ये भी इतिहास में पहली बार होगा। प्लीज रेट कट के बहाने में और रेट कट के हिसाब से आप खरीदारी ना करें। आरबीआई एक्ट में प्रोविजन है कि जो रेट रेपो रेट का जो डिसीजन है वो एमपीसी में लिया जाएगा। जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि आरबीआई कुछ मेजर्स ले सकता है पर रेट कट नहीं आने वाला है। एलटीआरओ के तरह लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जरूर होगा, डॉलर स्वैप भी चल रहा है बाकी सेंट्रल बैंक्स के साथ, पर रेट कट इस समय नहीं आएगा। एमपीसी की मीटिंग देखते हैं जो अगले महीने है, उसमें क्या डिसीजन आता है। इसमें कल ये सब देखिए, अगेन इस तरह की इन्फॉर्मेशन लाना अपने आप में बड़ी बात है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर। दूसरा, लाने के बाद उस तरफ उस माहौल में जब हम खुद मांग रहे हैं कि रेट कट दीजिए, बिल्कुल ये खबर देना, एक्सक्लूसिव खबर देना कि रेट कट नहीं आएगा, और बड़ी बात है। बिल्कुल। ख्वाबों में और ख्यालों में तेजी सोचने के कारण ढूंढने से काम नहीं चलेगा। दुनिया को बेवकूफ बना देंगे, अपने आप को कैसे बनाएंगे। रेट कट के नाम पर अगर हम सोचें कि मार्केट बढ़ जाए, बस इसी से तेजी हो जाए, इसी से ग्रीन में आ जाए, इसी से शॉर्ट कवरिंग आ जाए, हम किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के पैसे लगते हैं, तकलीफ होती है, दर्द होता है, बिल्कुल सर, हार्ड अर्न मनी है, पहले से लोग लहूलुहान है। ये झूठे दिलासे वाली चीजें हम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं आ रहा है रेट कट तो नहीं आ रहा है। रेट कट की उम्मीद में, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद में क्यों निफ्टी 200-300 पॉइंट चढ़ जाना चाहिए, क्यों बैंक निफ्टी 800-1000 पॉइंट चढ़ जाना चाहिए, और इसीलिए कहते हैं कि नहीं 24,000 पार नहीं होगा, 9,600 पार नहीं होगा, वहीं बेचिए। और कल भी दिन के दौरान एग्जिट आपको सही वक्त पे बोला था कि वहीं बेचिए, इसके भरोसे मत रहिए। और देखिए दिन के लो पॉइंट पर हुआ, तो प्लीज तेजी की खबरें आएंगी, बार बार आपको लगेगा, आप सोमवार को भी ये सोचे थे कि हमारा मौका मिस हो गया, लो कितना मौका मिला। डाउ की ऐतिहासिक तेजी के बाद ऑल बायर सेटिस्फाइड, सब मौका दे रहा है, कहीं मार्केट भाग के जाने वाला नहीं है। जिंदगी में एक चीज गांठ बांध ली, आप अपना भाव डिसाइड कीजिए कि मुझे इस भाव में लेना है, उस भाव में मिल जाएगा, बस इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं। अब ये मत बोलना कि स्टॉक जीरो में लेना है। मैं बहुत देर तक गुस्से वाले कैरेक्टर में रह नहीं पाता, जल्दी से वापस मेरे नॉर्मल कैरेक्टर में आ जाओ जी। रेट कट की बात की, कल तो ट्विटर पे सारे लोगों ने वो क्वेरी भी डाली थी कि कितना रेट कट है। हाँ, मतलब ये क्या बात है, मतलब क्या चीज का दिलासा हम देना चाहते हैं अपने आप को कि अभी इसी से आज बढ़ जाए। अरे बॉस, मार्केट को जिस दिन बढ़ना होगा बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, लेकिन जब तक नहीं बढ़े तब तक मेरा फर्ज है कि मैं लोगों को बचाऊं। तब तक तो आप बचे भाई, अगर आप तेजी करने के लिए लायक ही नहीं रहे, जिंदा ही नहीं रहे, बचे ही नहीं, जिंदा रहने से मेरा मतलब पैसे रहे। अगर तेजी करने के लायक पैसे ही नहीं बचे तो कितनी तेजी हो जाओ, फिर फायदा क्या है। फायदा नहीं, बिल्कुल। 12,000 पे खाली है, 11 पे खाली है, 10 पे खाली है, तब तो 8 पे लेंगे, और कम से कम चलो ना ले पाए 10 के वापस 10 भी आ गए, चलो आपका मिस भी हो गया तेजी, तो 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट का जो मेंटल स्ट्रेस, जिसका गुस्सा आप बीवी बच्चों पे, दोस्तों पे, अपने कलीग्स पे, अपने सबोर्डिनेट्स पे उतारते थे, वो तो नहीं करोगे। देश पहले ही इतने मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहा है कोरोना के चक्कर में, कितना दीप के पास जाऊं ना जाऊं, कितना संदीप के पास जाऊं ना जाऊं, ये स्ट्रेस कम है क्या अपने आप में कि और सर ये स्ट्रेस ले लो। तो प्लीज आराम से रहिए, शांति, लाइफ एंजॉय कीजिए हमारे साथ, पैसे बचाइए, हेल्थ बनाइए। बिल्कुल,
एक बार याद भी दिला दे सर, नहीं लेना है। हाँ बिल्कुल, ये तो दिलाने बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि देखिए मैं तो सीधा देखो, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊँ और ऐसे ही मैंने CA CS ICW किया है, यही इसी तरह से पढ़ के मैं आगे बढ़ाऊँ। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में, हमारी टीचर तो ये बोलती थी भाई लिखो 100 बार इसको, माला भी 108 बार फेरनी पड़ती है, ये समझ लो 108 बार की माला फेरनी। एक महीना तो हो गया सर, और कितना हर रोज माला फेरो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। 12,000 के नीचे बेच दो, बेचो यहां भी बेचो, ऊपर आए तो और बेचो, बेचना ही तो है, क्लियर कट बता रहा हूं। ओके। पर मैं बेचना है, मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल रहा हूं कि जहां खुले वहां बेच दीजिए। नहीं लेना है, बात कान खोल के सुन लीजिए, नहीं लेना है, बस लेना नहीं है, शांति रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए, मुझे पैसा बचाना है, मुझे पैसा बचाना है, मुझे पैसा बचाना है, न लेना है न बेचना है, अभी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप ट्रेडर हैं, आप शांत रहिए, इन्वेस्टर कोई पैनिक ना करें। पिछले 10 दिनों से ट्रेडर्स को आगाह कर रहे हैं कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, पिछले 10 दिनों से नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठोक ठोक के बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला, पूरे 25 साल की इज्जत को दांव पे लगा के बोला। ट्रेडर सावधान रहें, सावधान रहें, सावधान रहें, और इन्वेस्टर्स मौका ढूंढे अच्छे फंड्स में पैसा लगाने। आपको क्यों लेना है, किसके लिए लेना है, क्यों नहीं लेंगे, नहीं, थैंक यू वेरी मच, नहीं लेंगे। नो मीन्स नो, बिग नो। जिनको नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, हिंदी में समझ में नहीं आता है उनको, इंग्लिश में नो 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 नो, बिग नो। ट्रेडर्स के लिए मेरी राय बिल्कुल साफ है कि आपको कोई एडवेंचर लाइफ में नहीं करना, बिल्कुल आपको एक ही काम करना है कि आप ये सोचिए मैं जिंदा कैसे रहूंगा, जिंदा रहने से मेरा मतलब है पैसा कैसे बचा रहे। अभी भी नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, पैसा बचाने के लिए अभी भी नहीं लेना है। 4 दिनों के दाव के मुंह ने मुझे पूरा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दे दिया कि बेटा लगा ले 25 साल की इज्जत दाव पे, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये साफ डिसकंफर्ट दे रहा है कि बड़ा गिरने को तैयार है, बिल्कुल। और तब आप ऐसा बोल्ड कॉल ले पाते कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। ये अंत नहीं, अंत होने में अभी भी वक्त है। सुनने में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं वही कह सकता हूं जो मुझे दिख रहा है। ट्रेडर्स के लिए # नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है अभी भी बरकरार है। जिसका भाव आते जाए निकलते जाइए, छलावे में मत आइए, नहीं लेना है मतलब नहीं लेना है। फिर याद दिला देता हूं, मार्च का महीना निकाल लीजिए। सर इसमें एक अच्छी बात है, मार्च का आधा महीना तो खत्म हो गया, अब रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो गया है मंथ एंड के। ये यही सोच चाहिए मुझे, मतलब ये पॉजिटिव थिंकिंग है कि आधा निकल चुका है, रिवर्स हो गया, ठीक है आधा भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, निकलेगा, बस संभल के रहना है। बाद में तो पूरी जिंदगी हमारी है यार, खेले पूरा मैदान हमारा है खुला। लेकिन चलिए दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है, कोरोना का पूरा एक बार आज के एक्शन लें उससे पहले अपडेट दीजिए संदीप, क्या कुछ हो रहा है। 162 देशों तक पहुंच गया, 158 हो गया, 162 हो गया, 182,000 लोग हैं, 7,100 से ज्यादा मौतें हैं, 7,150 है। इनफैक्ट इटली के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहां पे लोगों की संख्या आप देखें संक्रमित लोगों के 28,000 के पार है। पिछले 24 घंटे में देखें तो 3,000 से ज्यादा नए मामले आते हुए दिखे हैं, US में 1,000 नए मामले आते हुए दिखे हैं, 19 लोगों की मौत है, और भारत में 114 एक्टिव मामले हैं। ये एक्टिव मामलों की मैं बात कर रहा हूँ। और इनफैक्ट कल अगर आप देखें कुछ पॉजिटिव अगर आप देखना चाहें तो जो वैक्सीन है इसका कोरोना वायरस का, उसका पहला ह्यूमन ट्रायल जो है, जो पहला टेस्ट है, वो कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ दिखा है। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे देश हैं, सरकार हैं, जो कि कई सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। यूनियन अपने सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, कैनेडा ने अमेरिका के सिटीजन को छोड़ के बाकी सभी देशों के लिए जो बॉर्डर है वो बंद कर दिए हैं। फिलीपींस ने तो इनफैक्ट अपने जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी बंद कर दिए हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए, अभी भी स्थिति देखा जाए तो पहले से कोई बेहतर होने के संकेत नहीं देखने को मिले हैं। कल इनफैक्ट US में देखें तो डाउ तो 3,000 पॉइंट से ज़्यादा
3000 पॉइंट लुढ़कता हुआ दिखा था, 13% की गिरावट थी। और तीसरा सबसे बुरा दिन था जहां तक डाउ की बात है, अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से करें 12% की गिरावट S&P और नैसडैक में भी देखने को मिली। बैंकों में सबसे ज्यादा गिरावट थी, 10-10% से ज्यादा लुढ़कते हुए दिखे। और यूरोपियन मार्केट भी 5% की गिरावट के साथ ही कल क्लोज होते हुए दिखे। इनफैक्ट एक चौंकाने वाली बात यह भी थी जो ट्रंप साहब का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्थिति है कोरोना वायरस की वो शायद अगस्त तक खिंचती हुई दिख सकती है, वहां तक मामला गंभीर रह सकता है। लेकिन हाँ, लॉकडाउन होगा ऐसी संभावना नहीं है यूएस में। ये एक पॉजिटिव जरूर बात है जो कि उनकी ओर से निकल के सामने थी कि पूरा अमेरिका बंद हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, इसकी संभावना नहीं है। और इसका जो इम्पैक्ट आप देखें कमोडिटीज़ पे भी है, 10% कल कच्चा तेल लुढ़क गया। सोने में भी आप देखें कल शाम $1500 के नीचे के लेवल्स देखने को मिले, और चांदी में तो भारी गिरावट है। इनफैक्ट आप ऑल टाइम हाई से देखें तो चांदी ऑलमोस्ट 75% के आसपास की जो गेंस है वो वाइप आउट कर चुकी है। ये है हाल इस वक्त। ओके, अच्छा एक जो इंटरेस्टिंग रिसर्च आपने की है कोरोना के आउटब्रेक पर, कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसे हम तेजी के मार्केट में सुनहरा मोड़ बोलते थे, यहाँ पर उसका एक नेगेटिव शब्द कुछ क्या बोलना चाहिए, खतरनाक मोड़ धीमे चले आगे खतरनाक मोड़ है वैसा वाला खतरनाक मोड़, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कोरोना का इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है ये आप सबको समझना जरूरी है। अगर कल आपने दोपहर में ये रिसर्च मिस किए, ये वापस से देखिए, बहुत काम की और बेहद इंटरेस्टिंग। कोरोना पर अब तक जितनी रिसर्च हुई है मार्केट के लिहाज से, मेरे ख्याल से उसमें सबसे बेहतरीन पीस है ये रिसर्च का जो संदीप बनाकर लाए। संदीप बताइए क्या। देखिए सर, तीसरे हफ्ते में अगर आप देखें तो ये जो आंकड़े हैं वो दर्शाना शुरू होते हैं कि हाँ शायद मामला बहुत गंभीर है। जिस हफ्ते कोरोना किसी भी देश में शुरू हुआ है उसके तीसरे हफ्ते में एक्चुअली वो जो एक बाउंस है ना बहुत बड़ा वाला, हाँ। जो खतरनाक मोड़ जो है उसका कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलने शुरू हो जाते हैं, और चौथे और पांचवें हफ्ते में ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पहले आप न्यूयॉर्क के आंकड़े देख लीजिए, 2 मामलों से शुरुआत हुई, 105 आंकड़ों तक पहुंचा, फिर देखिए तीसरे हफ्ते में 6 गुना के आसपास बढ़त होगी, 613 के आसपास ये मामले पहुंच गए। अब 3 देश आपके सामने है, फ्रांस, इटली और ईरान, ये 3 ऐसे देश है जो कि आपको समझा देंगे आंकड़े ये इनके चौथे और पांचवें हफ्ते के किस तरह से ये जो दर्दनाक या तो फिर खतरनाक मोड़ आता है ये आपके सामने है। देखिए फ्रांस के आंकड़े, 2 मामले थे, 191 हुए 650 के बाद, देखिए एकाएक सीधा ही 4500 के आसपास जो मामले वो पहुंचते हुए देखिए। चौथे हफ्ते है फ्रांस के, पांचवें हफ्ते के आंकड़े आने बाकी हैं। ईरान और इटली के पांचवें हफ्ते के आंकड़े भी हमारे सामने हैं। ईरान में आप देखिए 243, फिर 245, 245 से देखिए आंकड़ा 4700 के पार सीधा जाता हुआ दिखा, और उसके बाद देखिए 12700 के पार। तो चौथे और पांचवें हफ्ते में आप देखिए एकाएक तेजी आती हुई दिखती है। और इसी तरह से इटली देखिए, 3 मामलों से शुरू हुआ, 150 मामले हुए, उसके बाद 1000 मामले हुए, और 1000 से देखिए जब चौथा हफ्ता आया एकाएक 6 गुना की बढ़त आ गई, 6300 से ज्यादा मामले हो गए, और उसके बाद देखिए 21000 से ज्यादा मामले बनते हुए दिखे। तो ये जो चौथा और पांचवा हफ्ता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक यूएस और इंडिया की बात है उसमें आप स्पेन को भी जोड़ सकते हैं, ये वो देश है जो कि 3 हफ्ते ऑलरेडी इसमें बिता चुके हैं। स्पेन में आप देखिए 8 मामले थे, 674 हुए, फिर 6000 मामले हो गए, तीसरे हफ्ते में देखिए किस तरह से स्पाइक आता है, इनके भी चौथे और पांचवें हफ्ते के आंकड़े आने बाकी हैं। और इंडिया की भी जहां तक बात है, भारत में देखिए 3 मामलों से शुरुआत हुई थी, 24 हो गए, और उसके बाद देखिए 24 से सीधा सीधा आप आंकड़ा देखिए 4 गुना से ज्यादा बढ़कर 105 हो गया। तो अब जो चौथे और पांचवें हफ्ते के आंकड़े हैं क्या ये बढ़ते हैं, हमने कदम तो बहुत सारे उठाए हैं बाकी देशों के आ पाएंगे, क्योंकि यही वो नंबर है जब आप देखिए बहुत बड़ा स्पाइक या तो फिर जो खतरनाक मोड़ या दर्दनाक मोड़ जो है वो कहीं ना कहीं आता हुआ दिखता है। तो हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर बैठे हुए हैं, इस हफ्ते के आंकड़े, जो चौथा हफ्ता है उसके आंकड़े इस हफ्ते के अंत पर आएंगे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो तीसरा चौथा पांचवा हफ्ता है वहां पर जो मूवमेंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हम तीसरे हफ्ते के पार हैं, अब चौथा हफ्ता शुरू, तीसरे में देखिए स्पाइक ऑलरेडी आ चुका है, हालांकि नंबर्स काफी छोटा है, 100 के आसपास का ही है, लेकिन क्या ये 400, क्या ये 1000 हो जाएगा? अगर ये 1000 के पार या 1000 के आसपास आ गया तो फिर जो लाख बनने में टाइम एक्सपेंशन आता है वो बढ़ाता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि जिस लिहाज से स्टॉक्स में करते हैं उस लिहाज से नहीं, तो दर्दनाक मोड़ आ सकता है बाजारों के लिए, ठीक है उस पर ध्यान रखना। ये हफ्ता क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल, मतलब अगले 2-3 दिन अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और मतलब इस संडे तक अगर हम ना बढ़ने दें तो आप सब लोग से निवेदन ये है कि प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, हाथ वक्त पर धोते रहें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस बनाए रखें, जरूरी नहीं हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तो जाए ना। सर, ये जो आप डिस्टेंस वाली बात कर रहे हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स, सोशल गैदरिंग्स, इतना आप लोगों से मिलते हैं, ये वो हफ्ता है जब लोगों से मिलने से और गैदरिंग्स में जाने से ये बढ़ता है, क्योंकि एक लोग कल आशु जी भी बता रहे थे, एक आदमी के पास इतनी ताकत इतनी शक्ति है कि 800 लोगों को वो संक्रमित कर सकते। 800, माय गॉड,
इसीलिए ये जो कल दीप भी आपको बता रहे थे कि 400 के आसपास जब आंकड़ा पहुंचता है तो उसके बाद बहुत बड़ा एक स्पाइक एक साथ आता है, क्योंकि जब मामले बढ़ जाते हैं तो उसके बाद जो संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता। ओके, तो ये बड़ी चीज़ है। सोशली मिलना मिलाना है तो सोशल मीडिया का इजाद इसी दिन के लिए हुआ था। बिल्कुल, एंजॉय कीजिए ट्विटर, एंजॉय कीजिए फेसबुक, एंजॉय कीजिए इंस्टा। लगे आपको कि मैं उसके बगैर मिले मिलाए बगैर नहीं, मास्क लगा कर फोटो डालिए कि देखिए मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप भी करिए। अच्छी चीज़ें भी कर सकते हैं, ऐसे मिलना ज़रूरी नहीं है ना भाई। जिंदगी बड़ी आराम से बाद में मिलते रहिएगा, घर में बैठिए और हाथ ना मिलाइए, नमस्ते ही बस। नमस्ते। ये तो हिंदुस्तान की संस्कृति जो अब दुनिया को समझ आ रही है। ढंग से नहीं समझेगा ना तो फिर कुदरत ऐसे समझाएगी। ठीक है सर, आज के सेटअप की बात कर लेते हैं सर। बिल्कुल, सबसे पहले ग्लोबल सेटअप आज बाकी सब नेगेटिव, कुछ बदला नहीं है। घरेलू फंड्स के डेटा थोड़े पॉजिटिव हैं, वो है, बाकी कुछ भी नहीं बदला। ग्लोबल थोड़ा न्यूट्रल बोल देंगे, थोड़ी रिकवरी पे भरोसा ना रखें। रिकवरी तो रोज होती है, कौन सी दिन नहीं हुई रिकवरी। रिकवरी होना ऐसे रिकवरी, ये छोटी मोटी रिकवरी से ऐसे नहीं बदला जाता है। ठीक है भाई, चीज़ें आने दो, जो चीज़ें हमें चाहिए वो होनी चाहिए। ठीक, निफ्टी की रेंज दे देता हूँ, नीचे के सपोर्ट लेवल 8,900-9,050, ये पहला सपोर्ट रेंज है। 8,600-8,800 ये दूसरी सपोर्ट रेंज है। बैंक निफ्टी पे 22,000 पहला मजबूत सपोर्ट है। 21,350-21,500 अगला अहम सपोर्ट रेंज है। आज मैंने हाई रेंज भी दिए क्योंकि जिस तरह से एसजेक्स निफ्टी गर्मी दिखा रहा है, थोड़े ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं। डाउ फ्यूचर्स हम 3,000 पॉइंट के डाउ के फॉल की बजाय 1,300 पॉइंट के राइज पे फोकस कर रहे हैं, वो भी ठीक बात है, अच्छी बात है। लेकिन एसजेक्स भी आप देखिए कितना वोलेटाइल है, 300-350 वाला फ्लैट हो गया, वापस ऊपर आ रहा है। ऊपर की रेंज पहला 9,500-9,600, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेवल है। तेजी बननी है तो 9,600 के ऊपर निकल कर टिकना बहुत जरूरी है। नहीं तो तेजी है ही नहीं, तेजी मतलब रिकवरी भी उसको मैं नहीं मानूंगा। 300-400 पॉइंट बढ़ भी जाए तो, अगर हो गया तो कितना, 9,950-9,150, बहुत ज्यादा हो गया तो माफ कीजिएगा 10,150, बहुत ज्यादा हो गया तो 10,250, मतलब 10,500 तो आप लिख के रख लो। मतलब आप कितना जोर लगा लो नहीं आएगा। हाँ, मतलब कितने ही जोर लगा लो, आप रेट काट दो, मोदी जी आके बोल दें कि मंदी नहीं होगी, कुछ भी तब भी नहीं है। शॉर्ट सेलिंग बैन कर दो अगर करना है किसी को तो, कुछ भी कर लो, 10,500 तो पार ही नहीं होगा आपसे, बहुत मुश्किल है। 10,500 पार हो जाएगा तो फिर मूड भी बदल देंगे, ऐसी क्या बात है, लेवल के साथ बदलेंगे बिल्कुल, लेकिन लगता नहीं। ओके, बैंक निफ्टी में ऊपर पहला लेवल 24,000 का है, इसके पार निकल कर टिकेंगे 24,100 वो लेवल है, तो मजबूती आपको दिखेगी और तब मजबूती आपकी 25,000-25,200 तक की रिकवरी बन सकती है। ठीक वैसे जैसे कि निफ्टी में 10,000 के आसपास तक की बन सकती है बस। वही ठीक है, फिर वही कहूँगा कि आज अगर आपको 8,600-8,800 की रेंज में मिलता है बाजार तो वहाँ पर 20% कैश डालिए। 22,000-22,500 की रेंज में मिलता है बाजार तो वहाँ पर 20% कैश डालिए, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं और सीधे भी अगर आपको अच्छी शेयर्स मिले। एक चीज़ और करना चाहूँगा कि अगर अच्छी शेयर आपने सही लेवल पर खरीद लिया, मसलन जैसे टाटा स्टील शुक्रवार को अगर आपने सही वक्त पर पकड़ लिया, 15-20% की रिकवरी निचले सोच से आगे 25%, तो फिर वेट मत करिए कि मुझे और कमाना है। अगर 20-20%, 15% एक दिन में मिल रहा है वहीं से कर लीजिए, वापस मिलेगा ठीक, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, बन गया ना आपका 2 साल का FD का पैसा। बिल्कुल, हाँ, तो बहुत लालच करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं ले पाया देखिए वापस 11% नीचे मिला है, तो हर एक स्टॉक के भाव आ रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, रिकवरी होंगी बीच में, एक बार नहीं कई बार होंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो बाजार में आप तेजी देखना चाहते हैं जिसमें आम निवेशक पैसा बना सकता है, वो उनको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि गांव जितना गहरा है भरने में उतना वक्त लगेगा। सिंपल चीज है, एक्सीडेंट बड़ा हुआ है तो रिकवरी होने में भी उतना ही टाइम लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ट्रेडर्स के लिए तो अभी भी नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, सिंपल है, जो आपने याद कर ही लिया। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप बार बार चला के बोर कर रहे हो। हाँ बात सही है, बोर कर रहे हैं, मैं खुद भी नहीं देखता आजकल जब चलता है, फैक्ट बात है, ये एकदम सही है। मैं खुद भी कई बार मैं अपने आपको सुन के बोर कर रहा, यार कितनी बार बोला मैंने ये, लेकिन पॉइंट ये है कि आप 10,000 पे सुन चुके हैं, आप 12,000 पे सुन चुके हैं, आप समझ गए, आप सीख भी गए, तो क्या नए इन्वेस्टर्स का, नए दर्शकों का हक नहीं है कि वो सावधान हो? इतने सेल्फिश क्यों होते हो? दूसरों को भी होने दो, दूसरों को भी सावधान होने दो। ये प्रमोट करने के लिए नहीं, ये एजुकेट करने के लिए, दोनों में फर्क समझिए। प्रमोट क्या करना है, प्रूव कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं, अब मैं बोलूंगा तो फिर आपको लगे आप खुद बोल रहे कि प्रूव कर चुके हैं। आपके सामने डेटा है, 12,000 के लेवल पर हिंदुस्तान में कितने लोग थे जो आप बता दो, या दुनिया में कितने लोग थे जो बता दो कि जिन्होंने कहा कि 2008 वाला क्रैश है? नहीं थे ना, नहीं थे। तो बोला है तो जो, अगर हम स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है उसकी गलती लेते हैं, मानते हैं, कहते हैं कि हाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तो जो अच्छा काम किया उसके लिए भी बोलेंगे। लेकिन लेकिन याद रखिए,
मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने इसी तरह से पढ़ाई की है, जो सबसे बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी हमारी टीचर ऐसे ही पढ़ाती थी, रट्टा मारो 100 बार लिखो तब याद होगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मेरे व्यूअर को मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे उनकी चिंता है, मुझे उनकी फिक्र है। ये मैं अपना प्रमोशन या जी बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं लोगों को याद करें। एक ही बार में अगर मैं बोल देता, अगर खाली आप फर्ज करें अविनाश जी 12,000 का निफ्टी, देखिए 12,000 का निफ्टी ये बहुत मुझे मार्केट यहाँ से ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा करना चाहिए कि सब कुछ बेच देना चाहिए, हो सकता है 2008 जैसी गिरावट आ जाए। आप लोगों को पता भी नहीं चलता था कि अनिल सिंघवी ने कुछ बोला है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना, 12,000 गिरेगा, यहाँ बेचिए और बेचिए, जहाँ जाए वहाँ बेचिए, ये बोला तब जाके याद हुआ है। बोलने में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किस तरीके से बोलते हैं। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को क्रिटिसाइज मत कीजिए कि हम बार बार क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक भी है, जो हमारे पुराने दर्शक हैं जिनको सबको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ज़रूरी है। और अब तो ऐसा सिखा दिया सर आपने कि ज़्यादातर लोग भूलेंगे भी नहीं। ना भूलना ही नहीं है, भूलना ही नहीं। चलिए आइए आज की पोजीशन बता दे, तेजी की पोजीशन में स्टॉप लॉस 9,000 रखिए निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 23,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस क्लियर कट मेंटेन कीजिए। शॉर्ट पोजीशन है तो 9,600 का स्टॉप लॉस छोटे कर दिया आज मैंने दीप स्टॉप लॉस, ताकि नुकसान ज्यादा ना हो अगर रिकवरी हो तो। थोड़ी रिकवरी, हाँ 24,100। मैं फिर एक चीज और कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि आज और कल दो दिन बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, दो दिन बाजार को प्रेडिक्ट करना मुश्किल रहेगा, स्विंग्स बड़ी आएंगी, आज और कल ज्यादा सावधानी रखिएगा। ओके ओके ठीक है। अब नई पोजीशन 9,600 के नजदीक आए तो एक चांस लीजिए बेचने का, ओके उछाल आने दीजिए। 9,700 आपका स्टॉप लॉस होगा, 9,200, 9,800, 8,650। उम्मीद करूं कि नीचे के लेवल ना देखने को मिले, लेकिन अगर मिले तो उसकी तैयारी रखिए। जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक मैंने आज दिया है, क्योंकि क्या है कि आप कितने ही कर लें, कुछ ट्रेडर्स हैं जो लिए बगैर रहेंगे नहीं, जिनको ट्रेड करना है और जिनको तेजी का ट्रेड ही करना आता है, वो सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ है, छोटी क्वांटिटी में है, स्ट्रिक्ट इंट्राडे में है, प्रॉफिट मिलते ही बेचने वाले हैं, बड़ा कमाने की ना सोचे। 9,150 छोटा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे खुले तो बिल्कुल ना खरीदें। ओके बिल्कुल ना खरीदें। 9,150 स्पॉट लेवल का है, 9,500 9,600 तक के टारगेट के लिए वहां बुक कर ले, ठीक है। बैंक निफ्टी बेचना है आपको, एक इस उछाल में 24,000 के आसपास मिले वहां बेचना चाहिए, 24,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, 24,100 की रेंज में बेच दीजिए, 24,200 स्टॉप लॉस है, 23,500 23,100 23,000 ये तीन टारगेट है, 22,000 तो ड्रीम टारगेट है, ड्रीम तो गलत है, ड्रीम टारगेट तो तेजी में होते हैं, ये तो नाइटमेयर, वो भया हुआ सपना वाला विषय। ओके जिन लोगों को खरीदना है बैंक निफ्टी, माफ कीजिए निफ्टी लीजिए, मैंने बैंक निफ्टी जिनको खरीदना है वो बैंक निफ्टी को वही सेम कंडीशन वही है, एग्रेसिव ट्रेडर, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, छोटी क्वांटिटी, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग करना है, चार कंडीशन याद रख लीजिएगा, 23,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 23,500 24,000 जय हिंद, बस इसके ऊपर नहीं, ठीक है। बट थोड़ी रिकवरी आज शायद अगर आ जाए तो उसके लिए तैयार है, कोई बड़ी बात देखिए मार्केट के साथ जाना है, फ्लो के साथ जाना है, मैं तो चाहता भी नहीं कर रोज रिकवर, ऊपर आएगा तभी तो लोगों को अपने अपने भाव से निकलने का मौका मिलेगा, ठीक है। जो सेक्टर्स वही है नेगेटिव, जो ऊपर में आपको आईटी मेटल में आईटी बैंक्स एनबीएससी ऑटो एविएशन मल्टीप्लेक्स ये सारे हैं, यहाँ जहाँ अच्छी रिकवरी मिले वहाँ वहाँ ऊपर में बेचना, ठीक है। सर पीसीआर एक के नीचे चला गया, हाँ है, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि एकदम ओवरसोल्ड हो गया, और उसकी रीजन ये कि पीसीआर और विक्स तो मुझे कंफर्ट दे रहा है कि ओवरसोल्ड है, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाले पुट में कुछ भी पोजीशन नहीं है, तो वहाँ सपोर्ट ही नहीं है, प्रॉब्लम भी है दूसरी। ओके ठीक है सर, एफएनओ में तो कोई स्टॉक है नहीं बैन में, पर जो डेटा है वही सिमिलर ही चल रहा है सर, रोज का कोई डेटा में फर्क नहीं, 3800 करोड़ की बिकवाली कैश में हुई है एफआईएस की तरफ से, 1100 करोड़ के स्टॉक्स भी बेचे, तो अब स्टॉक्स ज्यादा बिक रहे हैं और स्टॉक्स का बिकना अच्छा संकेत नहीं है, इंडेक्स बिके चलता है, इंडेक्स इसलिए बेचा जाता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए बाजार पर नेगेटिव है, स्टॉक आप इसलिए बेचते हैं कि आपका मोह भंग हो गया, नहीं मुझे छोड़ देना है, मुझे रखना ही नहीं है, ये इसलिए 3800 करोड़ के स्टॉक्स और 1100 करोड़ यानी 5,000 करोड़ की स्टॉक की बिकवाली कल की एफआईएस की परेशान करने वाली, अच्छे संकेत नहीं है, तो ये खराबी है, ठीक है सर। वायदा कारोबार में बहुत ज्यादा डेट, पहली बार देखो आप देखो, तीन लाइन लिए है डेटा ही नहीं है, पूरा खाली है मैदान इधर, तो आई नहीं रहा डेटा, मैं क्या करूं। तो सिंपल चीज है, प्रीमियम 80 पॉइंट की डिस्काउंट पे चल रही है निफ्टी, 22,00,000 शेयर जुड़े हैं कल थोड़ा ओवरसोल्ड हो गया उस हिसाब से, है ना, तो आज अगर 9,600 के ऊपर निकले तो एक बार शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 9,600 तक तो नहीं आएगी, अच्छा क्योंकि कल है ना 9,600 का हाई है, तो जिसने भी बेचा है 9,600 के नीचे ही बेचा है जी, तो अगर किसी को शॉर्ट काटना है तो वो 9,600 के ऊपर काटेगा, अगर 9,600 के ऊपर टिक गए तो 400 पॉइंट की जगह बनती थी, 400 नहीं
9,950 उतनी जगह बनती है, तो 9,600 के ऊपर शॉर्ट न रहे, सुनिए ध्यान से, 9,600 के ऊपर शॉर्ट न रहे। 5-50 पॉइंट देखिए, वो इस मार्केट में मैं हमेशा वो लीवे लेके चलूंगा कि थोड़ा 5-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। 9,600 के ऊपर टिक गया, शॉर्ट कवरिंग 300 पॉइंट बढ़ाएगी। ओके, ये लिख के रखिए, समझ गए। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी, यहाँ 140 पॉइंट का डिस्काउंट है। सिंपल चीज है, यहाँ पे भी 24,000-24,200 ऊपर की रेंज है, इसके पार निकल कर टिक गए तो शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 25,000-25,200 तक ले जा सकती है। ठीक है सर, डन डन। ओके ठीक है, स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। नहीं, बंद कर दिया मैंने स्टॉक्स देते ही नहीं आजकल नहीं, ऐसे बाजार में तो सर कहां से वो करें, राइट। एचडीएफसी अगर 8% गिर रहा है तो फिर उसमें मतलब तो संभालना मुश्किल, मतलब ही नहीं। ठीक है, पर आज जो स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर रिएक्ट कर रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमारी रिसर्च टीम साथ में है, मानसी देवांशी साथ ही कुशल जो स्टॉक्स एंड न्यूज के बारे में बताएंगे, और आशीष जो ब्रोकरेज एक्शन बताएंगे। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं, गुड मॉर्निंग, आज के ट्रिगर्स और स्टॉक्स कौन से? गुड मॉर्निंग दीपांशु, शुरुआत आज के ट्रिगर्स से। टेलीकॉम के लिए आज का दिन काफी अहम है क्योंकि एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई आज होने जारी है, और सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को आज ही की डेडलाइन दी है। सारी एजीआर भुगतान का आदेश उनको दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का आज सभी कंपनियों के एमडी को मौजूद रहने का भी आदेश है, जिसके चलते टेलीकॉम के लिए आज काफी ज्यादा फोकस में रहेगा दिन। लेकिन इसके अलावा सन फार्मा की एक बोर्ड बैठक है जहां पर बायबैक को लेकर कंपनी सोच विचार करेगी, जिस पर नजर है। खबरों के दम पर आरबीआई के अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। येस बैंक पर आरबीआई का अपडेट यह है कि येस बैंक का नया बोर्ड जो है 26 मार्च को चार्ज लेगा, और येस बैंक की पहचान जो है वो बनी रहेगी। डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है और येस बैंक को पीसीए श्रेणी में नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा येस बैंक में करीब 6,050 करोड़ निवेश के बाद 40% हिस्सा एसबीआई का होगा। इसके अलावा एचडीएफसी में यस बैंक में 1,000 करोड़ का निवेश जो एचडीएफसी करेगी उसके बाद 7.97% हिस्सा होगा, और साथ ही मूडीज ने बैंक की लंबी अवधि की रेटिंग जो है CAA3 से बढ़ाकर CAA1 कर दी है। मूडीज ने आउटलुक नेगेटिव से अब फिर पॉजिटिव कर दिया है। इसके अलावा दो खबरें हैं। इंडिया सीमेंट, कल हमने काफी बढ़त स्टॉक में देखी थी, दरअसल राधाकिशन दमानी ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी जो है उसे बढ़ाया है। राधाकिशन दमानी ने हिस्सेदारी बढ़ाकर 12% से बढ़ाकर करीब 16% कर दी है। और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, सऊदी अरामको के CFO का बयान यहां पर आया है, रिलायंस के केमिकल कारोबार में हिस्सा खरीद के लिए ड्यू डिलिजेंस जारी है, और इसी मुद्दे पर रिलायंस के साथ बातचीत भी फिलहाल चल रही है, तो इसके चलते रिलायंस फोकस में रहेगा। ओके, काफी सारी खबरें वहां पर हैं, बट ऐसी कुछ खबरें देवांशी के पास भी है, बताइए देवांशी। सबसे पहले लासा सुपर जेनरिक्स, आप देखिए ये कंपनी फोकस में है क्योंकि कोरोना का एंटीवायरल दवा कंपनी बनाने पर विचार कर रही है। 50 करोड़ का निवेश भी ये कंपनी करेगी, और मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ इस दवा के लिए कंपनी एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने करार किया है। इंडसइंड बैंक, ये सूत्रों के हवाले से खबर आते हुए दिखी है कि प्रोमोटर हिंदुजाज ने इंडसइंड बैंक में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए आरबीआई से मंजूरी ले ली है। हिस्सा 15% से बढ़ाकर 26% करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मांगी है। ग्रासिम भी फोकस होगा, जहां पे सीसीआई ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर जुर्माना लगा है। 300 करोड़ का मैनमेड फाइबर के टर्नओवर के लिए ये जुर्माना लगा है। डेल्टा कॉर्प, गोवा के कैसीनोस 31 मार्च तक उन्होंने बंद रखे हैं कोरोना वायरस के चलते। और आखिर में GHCL, ये स्टॉक फोकस में होगा, जहां पे डीमर्जर के बाद दोनों कंपनी अलग अलग लिस्ट होती हुई दिखेगी। केमिकल और साथ ही टेक्सटाइल कंपनीज अलग लिस्ट होंगी, दोनों कंपनीज के इक्वल 1:1 के शेयर धारकों को मिलते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये हैं कुछ खबरें जो देवांशी के पास है। कुशल भी है हमारे साथ, तो कुशल बताइए आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं? जी, शुरुआत तो ONGC से करते हैं। यहाँ पर 5 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है कंपनी ने, जिसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो 24 मार्च रखी गई है। इसके अलावा टीटागढ़ वैगन्स दूसरा है स्टॉक, यहाँ पर इटली की जो इनकी सब्सिडियरी है उसको 15 दिन के लिए कोरोना वायरस के चलते बंद किया गया है। साथ ही CSB बैंक पर नज़र रखनी होगी आज, 19 ब्रांचेस के विलय को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज जो है उनको कम करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। साथ ही सद्भाव इंफ्रा पर आपको फोकस रखना होगा, जिसमें इनको 458 करोड़ रुपए जो है इन इंफ्राविट ट्रस्ट से मिले हैं। इनको इन्होंने 7 प्रोजेक्ट्स बेचे हैं, और अगर आप देखें बल्क डील्स पर तो यहाँ पर 2 फंड एक्शन है जो नेगेटिव साइड पर आए हैं, जिसमें एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स में आदित्य बिल्डा फाइनेंस ने करीब 6,10,000 शेयरों की बिकवाली की है, 0.7% इक्विटी है 57.56 के भाव पर। साथ ही गुजरात स्टेट पेट्रोनेट में भी प्लैटिनम एशिया फंड ने करीब 31.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 240 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही अगर आप प्लेज शेयर देखें तो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेज के जो प्रमोटर है उसने करीब 3.25 करोड़ शेयरों की प्लेजिंग की है 11 से 12 मार्च के बीच।
ओके, तो ये है खबरें जिन पर दिखेगा एक्शन। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, बिगुल पिक ऑफ द डे। कोई बदलाव नहीं, हर रोज की तरह बाय सेल नोटा तीनों आपके लिए तैयार हैं। शुरुआत पुणे चलते हैं किरण जी के साथ। किरण जी गुड मॉर्निंग, क्या करेंगे? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, नोटा ही है मेरा। बहुत ही बढ़िया। बेचने का लेवल नहीं है, खरीदने का मन नहीं है। कुणाल जी आपकी राय। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए जिस तरह का मार्केट है अनिल जी, कभी कभी लगता है कि चार्ट्स देखने के बजाय देखना चाहिए कि किस देश में कितने मामले कोरोना वायरस के आ रहे हैं और उसको ट्रैक करें अनिल जी तो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, जिस तरह का वातावरण अनिल जी चल रहा है। लेकिन एक स्टॉक है जो आज संयोग से मेरे और राकेश जी दोनों के रडार पर आ गया है, तो मेरे और राकेश जी की खरीदारी की राय है। तो आज पिक ऑफ द डे का चार्ट कॉर्नर है अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है इंडिया सीमेंट, जिसका जिक्र अभी अभी कर रहे थे आप लोग। और इस स्टॉक में राधा किशन दमानी जी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए हमने कल के ट्रेड में देखा था। कल इतनी मंदी के बावजूद स्टॉक तेजी दिखा रहा था, तो हमें लगता है कि आज भी इसमें फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिलेगी। तो इंडिया सीमेंट को खरीदना है। ओवर टू राकेश। अनिल जी काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान है और जैसे आप ऑप्शन देते हैं नोटा का, तो अनिल जी आज हम लोगों ने थोड़ा चेंज करा है। आज पहली बार पिक ऑफ द डे में भी अनिल जी एक जॉइंट पिक आया है, चार्ट कॉर्नर स्टॉक पिक है, इंडिया सीमेंट को खरीदने की राय है। 80 रुपीज़ का अनिल जी स्टॉप लॉस है और शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 116 से लेकर 120 के भाव देखने को मिल सकते हैं। 116-120 राइट? बिल्कुल ओके, 116-120 तक के टारगेट। और मेटल के बाद अगर इस रिकवरी में मैं किसी और एक सेक्टर पर पॉजिटिव हूँ तो वो है सीमेंट, ये चलेंगे। ओके आइए अविनाश जी से पूछते हैं उनकी पिक। अविनाश जी कुछ इरादा है खरीदने का? अनिल जी फ्रंट लाइन में हमको एशियन पेंट्स पसंद है, हमको लग रहा है कि हालांकि मार्केट का माहौल बहुत वोलेटाइल है, बट ऐसे माहौल में हमको लग रहा है कि एशियन पेंट्स एक काफ़ी स्ट्रांग वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। हालांकि अभी कंजम्पशन की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे भी डिमांड ट्रेंड्स थोड़े से सॉफ्ट ज़रूर है, लेकिन 1700 के नीचे चल रहा है। हमको लग रहा है कि अगर करीबन साल भर का नज़रिया है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। हमको लग रहा है कि कम से कम 15-16% की अपसाइड एक फ्रंटलाइन स्टॉक में पॉसिबल है और ये डेफिनेटली क्रूड के जो कीमतें कंटिन्यूसली गिरे हैं इसका इम्पैक्ट भी आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो 2000 के लेवल्स पहुंच सकते हैं करीबन 1850-1900, आई मीन जो पहले का हाई है वो डेफिनेटली पॉसिबल है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यू पिक रहेगा। ठीक है, अच्छा वैल्यू पिक रह सकता है जहां तक एशियन पेंट्स का सवाल है। और क्रूड के प्राइसेस भी गिर रहे हैं तो एक तो फायदा है, पर डिमांड कितनी स्लो होगी उस पर ध्यान देना पड़ेगा। वागले जी भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। मॉर्निंग वागले जी, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे क्या रहेगी या फिर नोटा है? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। नोटा एक्चुअली था बट अभी जो माहौल है वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ देना चाहिए और मुझे ऊपर में बेचना ही है। अच्छा। आरबीएल में कल जो वीकनेस था मुझे लगता है अगर आज बाउंस बैक देता है ऊपर में इसको बेचना चाहिए। मेरा 167 का स्टॉप लॉस होगा, 147 का टारगेट होगा। बेचना किस लेवल पर है? बेचना 161-162 का क्लोज है, 163-164 खुलने के चक्कर में अगर देखिए 167 नहीं सॉरी गैप चला गया, गैप चला गया किधर आ गया 60 पॉइंट को तो गैप मानते ही नहीं आ रहे। 5% से नीचे का कोई गैप नहीं होता आजकल, ओपन में ही बेचना चाहिए। गैप की डेफिनेशन ही बदल गई। क्यों सर अविनाश जी सही है, 5% नीचे कोई गैप है? बिल्कुल। हे भगवान, जिंदगी में कभी देखा था अविनाश जी ऐसे इस तरह का डाउन? 2008 इस तरह का थोड़ी ऊपर नीचे थोड़ी हो रहा, वो तो एकदम फिसल पट्टी थी, फिसलते ही रहते थे, रोज फिसलते थे। वागले साहब आपने देखा कभी? अनिल जी मैंने कहना गलत है, हमने ऐसा दौर देखा है कि जहाँ पर ऊपर सर्किट नीचे सर्किट लगे थे, तो ये जो फिलहाल हो रहा है अनसर्टेनिटी बाकी है लेकिन एटलीस्ट सर्किट नहीं है, लोगों को निकलने का चांस तो मिल रहा है। ये पॉजिटिव है क्योंकि जिस तरह से पिछले 2008 के बाद हमारे मार्केट ब्रॉड हुए, विदेशी पैसा भी होता है, इस बार एक अच्छी बात हो रही है कि हमारे देश के इन्वेस्टर हैं वो भी मजबूत हो गए। उन्होंने भी बहुत पैसा डाला, इतने दिनों से रोज FIIs बेच रहे हैं, खरीद कर घरेलू फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए आप बचे नहीं। तो सोचो अभी तक तो 55% गिर गए होते 2008 की तरह, अगर यही 2008 वाली सिचुएशन होती जहां डोमेस्टिक लोगों की हिम्मत ही नहीं थी। और सबसे बढ़िया बात है कि ज़्यादा पैसा फंड के थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट नहीं लगा रहा है, डायरेक्ट वाले में बिक भी जाता है, तो कम से कम बचे तो है। सन फार्मा, किरण जी आज बोर्ड बैठक है, बाय बैक पर विचार होगा, खरीदना है आपको?
देखिए अनिल जी, सन फार्मा में बहुत ही अहमियत वाला लेवल है वो है करीबन 372-75, इसके ऊपर अगर है तो ही मैं खरीदने की सलाह दूंगा, और एक अच्छा बेस 365 पे है, तो मेरा मानना है कि ये दो तीन लेवल्स है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इसके ऊपर या नीचे ही सौदा करना चाहिए। सन फार्मा, हालांकि बिकवाली आई है पर आज बोर्ड की बैठक है बायबैक को लेकर, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तो देखते हैं किस तरह से मूवमेंट आता है। अविनाश जी, एक क्वेश्चन इससे पहले कि हम फर्स्ट एड शुरुआत करें, येस बैंक और वोडाफोन सबसे वॉलेटाइल स्टॉक्स अगर ये रहे तो ये दोनों रहे। आज AGR मामले की सुनवाई है, सारे कंपनीज के MD सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, वहां से क्या आता है उस पर नजर रहेगी। और येस बैंक, अब SBI ने टेक ओवर कर लिया है, कल मॉरेटोरियम हट जाएगा, मूडीज ने रेटिंग अपग्रेड कर दी है, हालांकि 75% लॉक इन है, पर इन दोनों स्टॉक्स पर क्या नजरिया रहना चाहिए? मुझे लग रहा है कि येस बैंक में अभी अगर हम यू नो फंडामेंटली बात करें तो मुझे लग रहा है कि रिकवरी होने के लिए काफ़ी समय लगेगा। हालांकि लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अच्छी बात है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक एज वेल एज SBI ने काफ़ी बड़ा पैसा लगाया, तो डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ है, लेकिन अगर हम ऑपरेशनली नंबर्स देखें तो बैलेंस शीट को रिपेयर करने के लिए दीप कम से कम 1.5 या 2 साल लगेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई निवेशक को अभी इस स्टॉक में इमीडिएटली रश करना चाहिए, थोड़ा सा रुकिए क्योंकि स्टॉक वैसे भी काफ़ी जोर से भागा है और ये लेवल नहीं है मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी कोई वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रही बात वोडाफोन इंडिया की, तो वोडाफोन में डेफिनेटली AGR मामले में थोड़ा सा रिलीफ आएगा तो स्टॉक थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन कंपनी करीबन 5,000 करोड़ का घाटा हर क्वार्टर कर रही है और ये तो उनका ऑपरेशनल यू नो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अगर जब तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता इसमें कोई बड़ी उछाल आने की उम्मीद नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं कि पेनी स्टॉक है, इससे नीचे और कितना जाएगा, बट ये बहुत ही यू नो वीक है ऑपरेशनली अगर हम भारतीय एयरटेल को कंपेयर करें तो इससे डेफिनेटली दूर रहे। मुझे नहीं लग रहा है ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है। हाँ, हो सकता है इसमें थोड़ी ट्रेडिंग हो, बट डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट से अवॉइड करें। ओके, इन्वेस्टमेंट करें, अवॉइड ये है राय इस वक्त वोडाफोन आइडिया और येस बैंक दोनों पर।